हमेशा की तरह पिछले चंद सालों से जैसे फेस्टिवल हो रहा है वैसे ही शानदार फेस्टिवल था, और डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम ये समझते हैं कि इससे पब्लिक को भी अवेयरनेस होती है, फार्मर्स को भी हमें मिलने का ग्रोथ को मौका मिलता है, और इसके अलावा हमारा ये जो साउथ पंजाब की मिठास है इसका पूरे मुल्क में इसका जायका फील किया जाता है। अगर जो वैसे भी मैंगोज की डिमांड बहुत ज़्यादा और इस दफ़ा उसका रेट भी अच्छा जा रहा है, हमारे फार्मर भी खुश हैं और हमारा किसान हमारा जो यूज़र है वो भी खुश है। थोड़ा लेट हुआ चूँकि शुरू में मौसम ठंडा था, लेकिन गर्मी अब हुई है तो गर्मी का एक नेगेटिव जो फील तो होता है, लेकिन जब मैंगो खाते हैं तो गर्मी की गर्माहट कम हो जाती है, मिठास बढ़ जाती है। देखिए मैंगो के ये जो मेले हैं इससे अवेयरनेस तो बढ़ती है, और उसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट साइड से हैं, पब्लिक सेक्टर से हैं, जैसे डीसी चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, हम हैं जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कल आना, हम लोगों को मैंगो ग्रोथ के मसाइल का पता चलता है, फिर उसको पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे हमारे सामने ये बात आ रही है कि हमारे यहाँ सिस्टम उतने इफेक्टिव नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन मैंगो ने अगर जाना है तो हम उतने सारे सिस्टम को सामने नहीं लाते, हम उसमें सर्टिफिकेशन अभी उस पर काम हो रहा है, तो हमें वो चीज़ें समझ आ रही है। तो डेफिनेटली जब हम अब इनको फील्ड में लाएंगे, रेगुलेशन में लेके आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट आएगा और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े इसमें इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो फेस्टिवल 2024 को इफ्तिताह किया और यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए अपने मुल्तान की आवाम को और अपनी यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी को कि 60 के करीब डिफरेंट मैंगो एग्जिबिटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं, और 170-175 के करीब जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। सिर्फ एक स्टॉल पे इलियास दुरानी साहब के पास 111 वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, और तकरीबन 50 के करीब वैरायटीज़ जो है वो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टॉल पे डिस्प्लेड हैं, और बहुत सारे मैंगो एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और मैंगो से रिलेटेड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और डिफरेंट ट्रेड इंडस्ट्रीज़ जो उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। और बाय एंड लार्ज इन सारी एक्टिविटीज़ का मकसद जो है वो मुल्तान की कम्युनिटी को एक फेस्टिवल प्रोवाइड करना, जो वो अपनी आज के दौर की जो मसरूफियात हैं उनमें से निकल के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, थोड़ा सा मैंगो मेला जो उसको एंजॉय कर सकें, और अपने बच्चों को मैं आप सबको जो ये पैगाम सुन रहे हैं उनको तरगीब दूंगा कि कल अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएं, और यहाँ पे एक मैंगो ईटिंग एंड पीलिंग कंपटीशन होगा, उसके साथ मैंगो डिश मेकिंग कंपटीशन होगा, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम है। तो ना सिर्फ ये बच्चों के लिए एक लर्निंग इवेंट है बल्कि एक एंटरटेनमेंट का भी इवेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ, हमारे पास जो आम की डिफरेंट अकसाम है वो भी देखें और अपने आप को महसूस करें और अपने आप को रिलैक्स करें। देखिए इस तरह के इवेंट अगर हुए तो काश्तकारों को एक तो अपनी प्रोडक्ट्स बताने का मौका मिलेगा, हम जितनी वैरायटीज़ ले आए हैं उन वैरायटियों से लोगों को मालूमात होगी कि आम सिर्फ आम नहीं है, उसमें कितनी कुदरत ने रंग भरे हुए हैं, मुख्तलिफ रंग्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ हैं, मुख्तलिफ इकसाम हैं। इसमें मुल्क की तरक्की के लिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कितना मिठास और कितना खूबसूरती है, हमारी धरती हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। हमारे अगर देखें 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो दुनिया में मानी पहचानी जाती है, जितनी भी ये वैरायटीज़ आती हैं, चौंसा है, शान खुदा है, दुशहरी है, लंगड़ा, अगर मैं नाम गिनाता जाऊँ तो टाइम कम है। तो उनके साइज़ देखें, उनकी खूबसूरती देखें, जो दुनिया इस इवेंट से हमें काश्तकारों को भी फ़ायदा है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए। आपके मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ें, अपनी पैदावार बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो बींगे मुल्तानी होने के नाते हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि पूरी दुनिया का जो बेहतरीन आम है वो मुल्तान में प्रोड्यूस किया जाता है। फिर स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शुक्रिया कि उन्होंने ये फेस्टिवल का इनकार किया और यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे स्टॉल लगाए, उन स्टॉल के ऊपर वैरायटी लगाई, और यहाँ पे आके हमें पता लगा कि आंबों की भी सैकड़ों वैरायटी हैं जो कि यहाँ पे मुल्तान में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया है यूनिवर्सिटी ने, हम अप्रिशिएट करते हैं यूनिवर्सिटी को भी, और स्पेशली इस चीज़ के हवाले से भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा ज़र मुबारक। रहमान रहीम, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया क्या कि उन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम किया है, ख़ास तौर पर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह ये मैं समझता हूँ ये तलबा के लिए भी और जो ये हमारे आम के सिलसिले में ये है, मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। इससे जो है ना हमें यानी सपोर्ट मिलती है ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारों को और ग्रोवर्स को,
तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ और इस तरीके इस फेस्टिवल से मेरा ख्याल है ये लोगों में बहुत सी अवेयरनेस पैदा हुई है। बहुत बात यह जी कि 8वां साल हो गया इस मैंगो फेस्टिवल को, मैं हर साल आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये सबसे बड़ा इवेंट है सालाना, जो इवेंट और भी बड़े इवेंट होते हैं लेकिन ये बहुत शानदार इवेंट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जिस तरह किसानों की रहनुमाई की है वो हम सब के सामने है, ख़ास तौर पर मैंगो के हवाले से। अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर भी यूनिवर्सिटी बता रही है, फिर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, आमों की बेशुमार इकसाम जो हैं इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये फेस्टिविटी भी है। लोग जोग दर जोग आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं, बच्चों के लिए भी एक सिर्फ खाने की हद तक नहीं बल्कि नई मालूमात जो हैं वो बच्चों को मिल रही हैं। यूनिवर्सिटी की इस कंट्रीब्यूशन से मेरे अलावा बहुत लोग खुश हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक बड़ा अच्छा इवेंट हर साल की तरह ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है, ख़ास तौर पर किसानों को बहुत फ़ायदा है और आने वाले दिनों में वो इस इनकी जो यहाँ से नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। और फिर वैल्यू एडिशन के बारे में बहुत शानदार सेमिनार होते रहे हैं और इन प्रोग्रामों में भी बात की जाती रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट है, इसका इन द लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा है।